डिफरेंट टाइप का फ्लो लिक्विड का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड। किसी लिक्विड का फ्लो जो होगा वो स्ट्रीम लाइन कब होगा। फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड फ्लो एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रिसीडिंग पार्टिकल्स, मीनिंग हर एक पार्टिकल जो है वो अपने प्रिसीडिंग पार्टिकल का सेम पाथ जो है जिस मोशन जिस फ्लो के अंदर फॉलो करता है, एंड हैज़ द सेम वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट इट्स प्रिसीडिंग पार्टिकल वाइल क्रॉसिंग थ्रू दैट पॉइंट। मीनिंग क्या है, अगर मान लो किसी पाइप में से लिक्विड पास हो रहा है, मान लो ए बी कोई पाइप है, इसमें से लिक्विड पास हो रहा है, और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से जो लिक्विड पास होता है, मान लो एक पार्टिकल पास हो गया पहले, फिर लिक्विड का दूसरा मॉलिक्यूल पास हो गया, फिर तीसरा मॉलिक्यूल पास हो गया, तो अगर उस पॉइंट से जितने भी मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं उन सब की वेलोसिटी क्या है, सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो सब के सब एक ही पाथ फॉलो करते हैं, मान लो वो इस लाइन के अलोंग पी क्यू आर लाइन के अलोंग पास हो रहे हैं सभी पार्टिकल्स, तब लिक्विड का जो फ्लो होगा उस लिक्विड के फ्लो को हम बोलते हैं कैसा फ्लो होगा लिक्विड का, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। मीनिंग ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो ये जो लाइन हमारे पास आई है पी क्यू आर जिसके अलोंग लिक्विड मूव करता है, इस लाइन को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। और स्ट्रीम लाइन की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि दो स्ट्रीम लाइन जो होती हैं, टू स्ट्रीम लाइन कैन क्रॉस ईच अदर, कोई भी दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, इफ दे डू सो अगर वो क्रॉस करती है तब द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will have two different directions for their flow. तो मीनिंग क्या है, अगर एक पॉइंट पर मान लो दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट के ऊपर जो है दो डायरेक्शन लिक्विड की हो जाएगी, जो कि स्ट्रीम लाइन में पॉसिबल नहीं होती है। सेकंड पॉइंट जो है द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन्स एट ए प्लेस द ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स एट दैट प्लेस। तो मीनिंग क्या है, जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी स्ट्रीम लाइन, जितनी ज़्यादा किसी स्पेस में होगी उतनी ज़्यादा जो है वहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी होगी लिक्विड के पार्टिकल्स की। यानी कि स्ट्रीम लाइन अगर क्लोजली या कहीं पर क्लोज है किसी स्पेस के अंदर, तो वहाँ पर जो लिक्विड की स्पीड होगी वो ज़्यादा आएगी। तो दो प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी, दो स्ट्रीम लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमने डिस्कस की है कि स्ट्रीम लाइन जहाँ पर क्राउडेड होगी वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लिक्विड की ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैमिनर फ्लो, नाम से पता लगता है, लैमिनर मीनिंग लेयर की फॉर्म में। तो मीनिंग क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेट टू बी
फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज सेट टू बी लैमिनर फ्लो इफ लिक्विड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लिक्विड अगर किसकी फॉर्म में मूव करता है, लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है, ठीक है, तब लिक्विड के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, लैमिनर फ्लो बोलते हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है कि एक लेयर के लिक्विड जो है वो दूसरी लेयर के लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं होने चाहिए, विच डू नॉट मिक्स। जो मिक्स नहीं होती है विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देखो लेयर की फॉर्म में लिक्विड मूव करता है, और एक देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस लेयर में लिक्विड की वेलोसिटी अलग होगी सभी पार्टिकल्स की, इसमें डिफरेंट होगी, इसमें डिफरेंट होगी, इसमें डिफरेंट होगी, मीनिंग अलग अलग लेयर में वेलोसिटी पार्टिकल्स की क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट एक ही लेयर के अंदर जितने भी पार्टिकल मूव करेंगे सबकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या है, एक लिक्विड के लेयर के मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होंगे, तब इस फ्लो को हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो। और एक लास्ट जो है हमारे पास यहाँ पर रह गया फ्लो, लैमिनर फ्लो के बाद हमारे पास आता है सी जो है टर्बुलेंट फ्लो, तीसरा टाइप हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, भी जब लिक्विड जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो पार्टिकल्स जो है वो उनका डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी को इरेगुलर हो जाएंगे, एक लेयर के पार्टिकल दूसरी लेयर के पार्टिकल के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, तब इस फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। व्हेन ए लिक्विड मूव्स विद ए वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है लिक्विड की उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम जब तक फ्लो लिक्विड का कैसा रहता है, स्ट्रीम लाइन रहता है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो मीनिंग कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो मोशन जो होगा पार्टिकल्स का, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड बिकम्स इरेगुलर। कैसा हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं जब मोशन इरेगुलर हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। तो तीन तरह का फ्लो आ गया लिक्विड का हमारे पास, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो गया, अगर लिक्विड किस लिक्विड कैसे मूव करता है कि एक लाइन के लॉन्ग लिक्विड मूव कर रहा है और इस लाइन के लॉन्ग जितने भी पार्टिकल्स मूव करते हैं वो सेम लाइन को फॉलो करते हैं, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट से वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे पी पर पार्टिकल जितने भी पास होंगे लिक्विड के सबकी वेलोसिटी वी वन, क्यू से जो पास होंगे उनकी वेलोसिटी वी टू, और आर से जो पास होंगे उन सबकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वी थ्री रहेगी। तो इन पॉइंट्स से जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस लाइन को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, और स्ट्रीम लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। स्ट्रीम लाइन जो होती है जितनी ज़्यादा क्राउडेड होगी किसी प्लेस के ऊपर, वहाँ पर वेलोसिटी जो अपनी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो लैमिनर फ्लो आया, लैमिनर फ्लो में लिक्विड लेयर की फॉर्म में मूव करती है और एक लेयर के पार्टिकल दूसरी लेयर में जो है मिक्स नहीं होते हैं। फिर आया टर्बुलेंट फ्लो, जब लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए तो एक लेयर के पार्टिकल दूसरी लेयर के पार्टिकल के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, जिससे लिक्विड का फ्लो जो है वो कैसा हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। इस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो हमने इसमें बात की थी लास्ट टाइम क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की जब हम बात की थी तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी दैट वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड
लिक्विड की वो वेलोसिटी अप टू विच, जिस वेलोसिटी तक जो है इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड, जब तक इसका फ्लो कैसा है स्ट्रीमलाइन है, एंड अबव विच इट्स फ्लो बिकम टर्बुलेंट, जिससे ऊपर वेलोसिटी पर इसका जो फ्लो है वो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को मैं लिखता हूँ VC से, VCC मीनिंग क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ये डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। पावर ले लेते हैं ए डायमेंशन इसका, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करती है, पावर बी ले लेते हैं, और एक जिस पाइप से पास हो रही है उसके रेडियस पर डिपेंड करती है जिसको हम ले लेते हैं आर, और पावर ले लेते हैं सी। तो डायमेंशनली अगर हम इसको फाइंड आउट करें, यहाँ पर एक यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाएंगे हम, तो कॉन्स्टेंट मान लो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर के, यूज कर लेते हैं कॉन्स्टेंट। तो ये यहाँ पर हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पावर ए, डेंसिटी पावर बी, ये हमें डायमेंशन इसका फाइंड आउट करना है सी। तो दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ से, वी सी के लिए एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस वन, और इधर से हम जो है के का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, के एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, अभी हम डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। और इधर से जो है एम की पावर वन, एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, और डेंसिटी के लिए एम की पावर वन, एल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर जीरो, और बी पावर आ जाएगी, और आर जो है वो डिस्टेंस है एक तरह का, तो टी की पावर जीरो और पावर सी। यहाँ पर पावर्स कंपेयर करनी है हमें, तो सबसे पहले हम पावर जो है यहाँ पर कंपेयर करते हैं, मास की पावर हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर मास की पावर कंपेयर करेंगे, यहाँ से आएगी ए पावर, यहाँ से आएगी बी, यानी कि ए प्लस बी जो आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा, और ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस बी। फिर हम जो है पावर कंपेयर करेंगे यहाँ से लेंथ की पावर, जब लेंथ की पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस ए और यहाँ से आएगा माइनस का थ्री बी, तो माइनस का ए माइनस का थ्री बी, और सी सी भी है साथ में प्लस का सी, दिस इज इक्वल टू एल की पावर कितनी गिवन है, वन गिवन है, तो ये वन के इक्वल हो जाएगा वन। तो इसको यहाँ से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम जो है वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, बी की जगह कितना पुट कर देंगे, माइनस ए पुट कर देते हैं, या ए की जगह पुट कर दो, चलो बी की जगह पुट कर देते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस ए इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये जो रिलेशन आएगा टू ए प्लस सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। और एक हमें टाइम की पावर कंपेयर करनी है, यहाँ से टाइम की पावर माइनस ए है और इधर से टाइम की पावर माइनस वन है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वन, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इज इक्वल टू माइनस वन, और इसमें पुट करेंगे हम ए की वैल्यू तो सी की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, सी इज इक्वल टू माइनस वन। यानी कि हम तीनों वैल्यू फाइंड आउट करके फिर दोबारा फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा के एन की पावर वन, डेंसिटी की पावर माइनस वन, आर की पावर माइनस वन। मीनिंग इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, वी सी इज इक्वल टू के नीटा डिवाइड बाई रो इंटू आर। तो ये हमारा रिलेशन आता है क्रिटिकल वेलोसिटी का, जहाँ पे के जो है, के को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, के को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, एक प्योर नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि लिक्विड का जो फ्लो है उसका नेचर कैसा होगा किसी भी पाइप में से। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या इन्फॉर्मेशन देता है, रेनॉल्ड्स नंबर इज ए प्योर नंबर विच डिटरमाइंस
द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। थ्रो ए पाइप, मीनिंग किसी पाइप में से लिक्विड का नेचर कैसा होगा, लिक्विड के फ्लो का नेचर कैसा होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, रेनॉल्ड्स नंबर देता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर के बेस पे अगर हम फाइंड आउट करें, यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, तो ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मीनिंग इसी फॉर्मूले से हम रिलेट करेंगे, के अनदर कॉन्स्टेंट है, जिसको हम जो रेनॉल्ड्स नंबर को अनदर नंबर से राइट करते हैं, एन आर से राइट करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर को, या आर से भी लिखा हुआ कई जगह। तो एन अगर हम ये सपोज करते हैं नेट कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी किसी लिक्विड का, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, और डी अगर डायमीटर लेते हैं, मीनिंग आर की जगह हम डायमीटर ले लेते हैं यहाँ पर रेडियस की जगह, और कैपिटल डी से लिख देता हूँ मैं इसको, कैपिटल डी, कैपिटल डी, और डेंसिटी जो है लिक्विड की, और वी सी अगर हम लेते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, तो सेम ऐसा ही रिलेशन हमारे पास बनेगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए हमारा जो रिलेशन आएगा एन आर रेनॉल्ड्स नंबर, दिस इज इक्वल टू रो डी क्रिटिकल वेलोसिटी डिवाइड बाई नीटा। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा किसके लिए, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए। तो इस फॉर्मूले से भी हम इसको याद कर सकते हैं, अगर के की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर दें, एन आर पुट कर दें, और ये जो आर है आर को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, डायमीटर से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला आता है, अगर हम यहाँ से के को रिप्लेस करके एन आर से एन आर की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा क्या, किसके लिए, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए। अब अगर रेनॉल्ड्स नंबर की हम बात करें, यहाँ पर ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है, रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है, अगर एन आर जो हमारे पास है ये जीरो से लेके 2000 के बीच में है, तब हमारा जो फ्लो होगा, फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन, कैसा फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और अगर एन आर की जो वैल्यू है ये ज़्यादा हो जाए 3000 से, ठीक है, तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये याद रखना है, जीरो से 2000 स्ट्रीमलाइन फ्लो, और एन ये अगर 3000 से ज़्यादा वैल्यू हो जाती है तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मीनिंग अगर हम ये सपोज करें लिक्विड किसी ऐसी पाइप से मूव करता है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो वेरी करता हो, क्या वेरी करता हो, एरिया ऑफ क्रॉस और ये एंड हमारा है बी, और एंड ए जो है वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ए वन है, एंड बी जो है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना है, ए टू है। तो इसके अंदर से लिक्विड मूव कर रहा है, आप देखो लिक्विड मूव करता है इसके अंदर से, यहाँ से लिक्विड मूव कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग अगर हम ये सपोज करें कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो रो, हम क्या सपोज करते हैं, रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, रो हमने डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंसीडर की है भी, एंड ए पर अगर मैं कंसीडर करता हूँ जो लिक्विड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी वी वन, और एंड बी पर जो लिक्विड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है, वी टू है। तो जितना मास जो है यहाँ से एंटर करेगा पर यूनिट टाइम, उतना ही मास लिक्विड का यहाँ से क्या करेगा, एग्जिट करेगा पर यूनिट टाइम। कब, अगर ये जो पाइप हमारे पास है इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है, ठीक है, ना तो इसके अंदर कोई सोर्स लगा हुआ है ना ही कोई सिंक लगा हुआ है, तो वॉल्यूम जो लिक्विड का इसके अंदर से एक सेकंड में पास होगा थ्रू एंड ए वो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू एंड ए, या एंट्रिंग लिख सकते हैं पासिंग की जगह, एंट्रिंग थ्रू एंड ए इन वन सेकंड, एक सेकंड के अंदर।
तो ये कितना लिक्विड पास होगा एक सेकंड के अंदर, हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम आएगा हमारे पास ये कितना आएगा, A1 into V1, क्योंकि एक सेकंड में लिक्विड जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मान लो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, V1 into 1 करेगा और एरिया क्रॉस सेक्शन है A1, तो इतना लिक्विड पास होगा। अब अगर यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करें, यहाँ से हम लिक्विड का मास फाइंड आउट करें, कितना लिक्विड जो है वो एंटर करेगा, कितना मास लिक्विड का एंटर करेगा, तो मास ऑफ लिक्विड अगर हम फाइंड आउट करें, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड किस एंड पर हम बात कर रहे हैं, एट ए एंड पर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा A1 V1 और रो जो है डेंसिटी लिक्विड की, तो डेंसिटी ले लेंगे यहाँ पर हम, तो अलग अलग एंड पर हम मान लो यहाँ पर डेंसिटी रो वन है, यहाँ पर रो टू, अब डेंसिटी हमारी क्या रहेगी, क्योंकि लिक्विड हमारा सेम है तो डेंसिटी भी हमारी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, रो। ऐसे ही हम अगर दूसरे एंड पर निकालें, मास ऑफ लिक्विड जो एंड टू से जो पास होगा, मास ऑफ लिक्विड जो टू से जो है लीव करेगा, बी एंड पर, यहाँ पर A2 V2 इंटू रो हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर लिक्विड में कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे मास ऑफ लिक्विड जो एंटर करेगा, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड, ये पर सेकंड के हिसाब से हमने कंसीडर किया हुआ है, पर सेकंड एट ए इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकंड एट बी। ये दोनों इक्वल होंगे अगर कोई यहाँ पर पाइप के अंदर अगर कोई होल नहीं है, यानी कि पाइप ना तो सिंक की तरह काम कर रहा है ना ही सोर्स की तरह, तो A1 V1 रो जो आएगा दिस इज इक्वल टू A2 V2 इनटू रो, इसके इक्वल आएगा, रो से रो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये जो हमारे पास आएगा A1 इनटू V1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, A2 इनटू V2 के, और इसको हम राइट कर देंगे क्या, कॉन्स्टेंट, मीनिंग ए और वी एरिया और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है किसी भी लिक्विड के लिए जो किसी पाइप में से पास हो रहा है, जब उसका फ्लो का ऐसा स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तब हम बोलेंगे एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, ये हमारी होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई है। तो यहाँ से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अगर V की वैल्यू बात करें हम, V किसके ऊपर डिपेंड करेगा, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मीनिंग अगर पाइप का जो एरिया ऑफ सेक्शन होगा अगर वो हम डिक्रीज कर दें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो डीप वाटर जो होता है वो रन स्लो रन करता है, डीप वाटर गहराई पर जो पानी होता है वो कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वहाँ पर हमारा जो है